सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। आपने सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। आप जानते हैं इस दोहे को, इस दोहे के रचयिता कौन है? हाँ, इस दोहे का रचयिता है संत कबीर दास। आप नवी कक्षा में संत कबीर दास जी के कुछ दोहे पढ़े थे, आज हम दसवीं कक्षा में उनके और कुछ दोहे के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कबीरदास जी के परिचय जानेंगे। उनका जन्म आप जानते हैं सन 1398 को काशी में हुआ था। ये माना जाता है कि एक तालाब के किनारे कबीरदास जी एक जुलाहा दंपति को, जुलाहा दंपति मतलब जो कपड़ा बुनने के काम करते हैं उन्हें हम जुलाहा कहते हैं। तो एक जुलाहा दंपति तालाब के किनारे से कबीरदास जी को, कबीरदास जी उन्हें मिले थे और उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही अनुभवी, बुद्धिमान और विवेकमान थे। वो बहुत बातें जानते थे, सभी धर्मों को समान मानते थे, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को वो मानते थे। उस समय धर्म और समाज में जाति पाति, ऊंच नीच का बहुत ही भेदभाव था। समाज में अंधविश्वास, जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर जैसे चीज़ों से भरपूर था और कबीरदास जी इन सबको घोर विरोध किया करते थे। आपको तो पता है उनके गुरु जी कौन थे, रामानंद स्वामी जी। कबीरदास जी ने रामानंद स्वामी जी के पास से दीक्षित होकर उन्होंने सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता जैसे अच्छे गुणों का प्रचार और प्रसार भी किया। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। उनके जो बीजक ग्रंथ में जो सारे दोहे हैं वो मिश्रित खड़ी बोली भाषा में है। मिश्रित खड़ी बोली हिंदी की बहुत पुराना पुरातन रूप है, या तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसी पुरातन भाषा है जिसमें संस्कृत शब्दों के बहुलता करके, मतलब इस्तेमाल करके वर्तमान की हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। और आप जैसे जानते हैं दोहा हम किसे कहते हैं, दोहा हिंदी भाषा की प्रमुख छंद है। ये अर्धसम मात्रिक छंद में होता है जिसमें दो पंक्ति होते हैं और दो पंक्ति में चार चरण माने जाते हैं। तो आपने कबीरदास जी का, संत कबीरदास जी का परिचय आपने पाया। अभी हम उनका उनके द्वारा रचित कुछ दोहे पढ़ेंगे। उनका जो पहला दोहा है आपके दसवीं कक्षा में, वह है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब अपना किताब निकाल कर आप मेरे साथ साथ उस दोहे को पढ़ने की और याद रखने की कोशिश करें। तो उनका पहला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। फिर से सुन लीजिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो बच्चों, कबीरदास आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके हिसाब से सांच बराबर, सांच मतलब सत्य, सच बोलना, तो सत्य बराबर कोई तपस्या या कोई ज्ञान नहीं है। इस संसार में सत्य के समान तपस्या या तो कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सांच, सत्य। तो उसका अगर हम उल्टा करते हैं तो झूठ बराबर पाप, कि झूठ के समान पाप या कोई बुरा काम नहीं है। इसका अर्थ है कबीरदास जी यहाँ पर सत्य को तप के साथ तुलना किए हैं और झूठ को पाप के साथ तुलना किए हैं। जाके हृदय, जाके, जाके का अर्थ है जिसके। जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तब जानेंगे, आप तो नवी कक्षा में भी पढ़े हैं, जिसके एक सर्वनाम है। तो जाके मतलब जिसके हृदय, हृदय मतलब हृदय मन, तो जिसके हृदय में सांच है, सत्य है,
ताके हृदय आप, ताके मतलब उसके हृदय, हृदय में मन में आप, यहाँ पर कबीरदास जी आप किसे कहते हैं, भगवान ईश्वर को आप कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है कि इसे, इस पंक्ति को सरल भाषा में समझाइए, तो आप अपने भाषा में सांझ हृदय आप इसका अर्थ अगर याद रख लेते हैं, जाके ताके इसका अर्थ अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, तो आप आसानी से इसको सरल भाषा में समझा पाएंगे। जैसे सांच बराबर तप नहीं, अर्थात सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ को पाप के साथ समान किया गया है। जाके जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा और ज़्यादा समझने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है। उसके हृदय में, आप तो जानते हैं निर्मल हृदय में क्या होता है, भगवान विराजमान करते हैं, और ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा सत्य बोलता है वो पाप रहित होता है। मतलब सत्यवादी को भगवान का दर्शन मिलता है, वो महान होता है, तत्वदर्शी होता है, और सभी समाज में, इस दुनिया में सभी सत्य वचन बोलने वाले को आदर करते हैं। और उसके विपरीत में जो झूठ बोलता है, जो पाप कार्य करता है, जो झूठ बोलता है, हम उन्हें पापी मानते हैं, और पापी को ये समाज अनादर करता है। तो इस दोहे से हमें ये अर्थ मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आपको इस पंक्ति में सरल भाषा में समझाने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन भी आएंगे कि सत्य के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है, सत्य को, सांझ को कबीर जी ने किसके साथ तुलना किए हैं, झूठ को किसके साथ तुलना क्या किया गया है, और भी सवाल आएंगे, किसके बराबर तप नहीं, झूठ किसके बराबर है, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन रहता है, ये सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा आपके जो 5 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आएंगे, या फिर सरल भाषा में समझाने के लिए भी आपके लिए आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा आप इसमें जो शब्द हैं, सांच है, आपके तप हैं, झूठ हो, पाप है, जाके, फिर हृदय, फिर आपके ताके, इस शब्दों का आपको विलोम शब्द भी आएंगे, समानार्थी शब्द भी आएंगे, इनको वचन बदलने के लिए भी आपके प्रश्न आएंगे। जैसे कि एक प्रश्न हो गया जाके, मतलब जिसके, इसको अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या होगा, जब हम वह के साथ के का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसके, वैसे ही जो के साथ जब हम के परस्वर का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जिसके, तो जो को जिसके कहते हैं, उसको अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या होगा, जिन्होंने। तो ऐसे ही आपको सवाल आएंगे, सांझ का समानार्थी शब्द क्या हो गया, सत्य हो गया, वैसे ही आपके सारे। और कभी कभी ये भी प्रश्न आते हैं, सांझ हो गया आपका, झूठ, बुरा, हृदय, इसको लेकर आप सार्थक वाक्य भी बनाइए। अगर आप दोहे को जब आप अभ्यास करते हो, इन सारे शब्दों को आप याद कर लेते हो, तब आपको कोई भी प्रश्न आए, जैसे विलोम शब्द, समानार्थी वस्त, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।